हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं आपका दोस्त ऐश। आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू टाइटल के बारे में, जो कि काफ़ी इजी है उसको परचेज़ करना। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सीज़न में जाएंगे अपन। सीज़न में जाने के बाद यहाँ पे साइकिल टू है, वहाँ पे क्लिक करेंगे अपन। देन उसके बाद ये साइकिल मूवमेंट्स है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। ये कुछ स्नोमैन, ये स्केटबोर्ड, ये पिरामिड, ये एंशियंट टावर जैसे टेम्पल जैसे दिख रहा है जो फ्लाइंग करता है वो, और ये एंशियंट जो भी है, ये पिरामिड हो गया, ये इन्फेक्टेड हेलमेट हो गया, ये वुड क्रेट हो गई, ये केक हो गया, और ये अपना है आर्केड मशीन। ये जो सब चीज़ें हैं ये अपने को एक जगह मिलेगी, ये सब कलेक्ट करना है तब जाके अपने को एक टाइटल मिलेगा। वो काफ़ी इजी है, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा ये चीज़ कैसे आपको करना है क्या है। बस एक सिंपल सा स्टेप करना है आपको, सिर्फ सोलो लगाना है और अपना एंशियंट वाला जो अभी आया है, ये जो फोर्थ एनिवर्सरी का जो मोड आया है, वो सिर्फ अपने को खेलना है, वो भी सोलो में। तो काफ़ी इजी है, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा। सिर्फ सोलो लगाना है आपको, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ सोलो लगाना है और गेम चालू करना है। अपना गेम चालू होने के बाद सबसे पहले मेन चीज़ यही ध्यान में रखना है कि मैप में देखेंगे आप तो ये लेजेंड नाम का कुछ एक ये है, इसको ओपन करेंगे अपन। उसमें अपने को वाइब्रेंट प्लाजा और वाइब्रेंट कैंप, ये जो दो चीज़ें हैं जो मेन है सबसे, और थोड़ा इजी वे पड़ेगा आपको यहाँ से वो सब चीज़ें परचेस करने में। तो वैसे तो अपना ये निम्बस आइलैंड जो है ना, वहाँ से भी मिलता है, बट वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं तो वो जैसे अपन नहीं कर सकते। तो मेन वही एक ध्यान रखना कि वाइब्रेंट प्लाजा और वाइब्रेंट कैंप पे अपने को जंप करना है, सबसे मेन चीज़। देन आगे चलते हैं। आप मैप में देखोगे तो आपको वाइब्रेंट प्लाजा और वाइब्रेंट कैंप भी पता चल जाएगा कहाँ पर क्या रहता है, तो वही ध्यान दीजिएगा। तो ये वाइब्रेंट कैंप पर आया हूँ मैं, तो यहाँ पर ना एक स्टेज है, ये यहाँ पे उतरे अपन, यहाँ से लूट वगैरह ले लेने का थोड़ा सा, अगर कोई बॉट वगैरह आया तो उसको मारने के लिए, या कोई एनिमी आया उसको मारने के लिए। देन यहाँ पे एक स्टेज है सामने, ये देखिए ये वाला स्टेज है। यहाँ पे आने के बाद एक सिंपल सी चीज़ करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे जो ये एक टावर टाइप यानी एक छोटा सा जो पोल टाइप दिख रहा है, इसको सिर्फ एक्टिवेट बटन पर अपने को क्लिक करना है, ये अपने आप मूवमेंट चालू कर देता है यहाँ पर। और देन इसके बाद एक क्रेट ओपन होती है यहाँ पर, ये देखिए स्पॉन होती है, वो सिर्फ अपने को उस क्रेट को ओपन करना है। उसके पहले अपने बैग में कुछ नहीं रहता है, बस ये क्रेट को ओपन करना रहता है, और यहाँ पे अपने को वो लूट भी देता है। और ये देखिए स्नोबोर्ड मिल गया अपने को। ये ऐसी ही ये जो भी है सिंपल वे है, सबसे सिंपल वे जो सोलो में होगा, और बाकी जो अगर डुओ या स्क्वाड में करने जाओगे तो आपके टीममेट्स भी रहेगी वगैरह वगैरह, वैसे भी कोई टेंशन नहीं। अगर वो क्रेट एक बार खुल चुकी है, आपके टीममेट्स ने भी खोल ली है या कोई एनिमी ने भी खोल ली है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप अगर खुद एक बार फिर से खोलने जाओगे वो ओपन क्रेट, फिर भी आपको कोई ना कोई वो जो एलिमेंट है जो भी अपने को परचेस करना है वहाँ पे जो जो अवेलेबल है वो सब अपने को मिलेगा ही। ऐसे कोई टेंशन नहीं है कि अपने को ये क्रेट खुली है तो नहीं मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है, ये मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ गेम ट्राई करता हूँ। तो ये एक और बार नए एक एंशियंट इसमें कूदा था मैं, देन यहाँ पर देखिए फिर से एक्टिवेट किया मैंने। पहले मुझे कुछ एनिमी की स्टेप आती है तो वो पहले मैं ध्यान देता हूँ, तो वहाँ पर ना कुछ दिखता नहीं है मुझे, बट मैं बोलता हूँ कि जान दो, फिर यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ये एक्टिवेट करने के बाद ये देखिए मूव करना चालू कर देता है, देन यहाँ पे एक क्रेट स्पॉन होती है जो कि काफ़ी मस्त दिखती है। तो ये ओपन किए अपने बैग में फिर से एक नया कुछ, ये देखिए आर्केड मशीन आ गई। ऐसे ही धीरे धीरे सब चीज़ें अपनी सॉर्ट होती रहेगी, और ऐसी सब चीज़ें अगर आपको मिल गई, सबसे ईजी वे है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सबसे ईजी वे है, अगर ऐसी सब चीज़ें मिल गई ना आपको यहाँ पे, वैसे भी सिंगल अगर सोलो में खेलने जाऊँगे तो यहाँ पे आप ही मिलोगे। एक हद बार आ गया कोई तो आ गया, वो जो जिसको वो टाइटल चाहिए वही आएगा, और वो सब यही वीडियो देख के आएंगे जो कि ऐसी मेरे जैसी किसी ने बनाया होगा वो सिर्फ देख के। तो सबसे सिंपल वे यही है। तो ऐसी सब मैंने कुछ क्रेट ओपन किया, और मेरे सारे वो जो जो भी टाइटल्स के लिए जो भी लग रहा था चीज़ें वो सब मुझे मिल गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए इसलिए मैंने सारे चीज़ें फटाफट कर लिए थे। मुझे हार्डली एक आवर भी नहीं लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 45 मिनट्स लगे होंगे, बस खेलते गया मैं। और सोलो में तो वैसे भी उतना कुछ टेंशन नहीं है, जो ज़्यादा ध्यान देता होगा सोलो पे तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट जिसके लिए एकदम ये है कि नहीं है अपने को उसका टायर का कोई टेंशन नहीं है तो उसके लिए वो सब ठीक है। तो मैंने सोलो में सब फटाफट करके 45 मिनट के अंदर ही हुआ, तो वही सब धीरे धीरे मैंने ये कर दिया। देन अपन आते हैं डायरेक्ट इस पे।
कि अपने सारे मिशन यानी मिशन बोलते हो सॉरी, वो सब जो चीज़ लग रही थी अपने टैग के लिए टाइटल के लिए वो सब मेरे को मिल चुकी है। तो ये स्नोमैन है ये मिल गया, ये कलेक्ट कर लिया। ऐसी स्नोबोर्ड है, ये एंशियंट अपना क्या बोलते हैं उसको, एंशियंट सीक्रेट जो भी है ये भी मिल चुका है, और अपने को पिरामिड भी मिल चुका है, और देन अपने को ये इन्फेक्टेड हेलमेट भी मिल चुका है, देन अपने को ये वुड क्रेट भी मिल चुका है, देन ये केक भी मिल चुका है। ये इसी मैंने वही चीज़ कर करके मुझे मिला है, ये आर्केड मशीन भी मिल गई। तो फ्रेंड्स यही है वीडियो, और ये टाइटल मुझे अभी इसलिए नहीं मिला क्योंकि ना मेरे को ये सब मिशन कंप्लीट हो चुके थे और मैं मेरी स्क्वाड के साथ खेल रहा था, तो उतने में गलती से मेरे पे वो क्लिक हो गया, तो वो टाइटल मिल चुका था मुझे। तो वो टाइटल मैंने लगाया नहीं जानबूझ के, कि मैं सब आपको आगे दिखाना चाहता था कि मुझे ये सब मिल गया है और अभी ये टाइटल लगा रहा हूँ। तो ये देखिए बॉक्स क्रिएट लिखा है यहाँ पे, ये पे इक्विप कर दिया और ये अपना टाइटल हो गया, अपना लग गया। तो यही तक था वीडियो अपना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही रिलेटेड टिप्स रिलेटेड वीडियोस बनाते रहूँगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।